नई हुकूमत बनने के साथ ही मरकजी काबीना का पहला इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की। अभी तक प्रोटोकॉल इन तमाम वज़रा को दिया जाना बाकी है, कौन सा महकमा किसको दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले मरकजी काबीना ने एक बड़ा फैसला लिया कि अब सरकार पहले ही बड़े फैसले के तहत 3 करोड़ घर गरीबों के लिए बनवाएगी, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना, जो पहले इंदिरा आवास योजना कहलाती थी। और ये फैसला किया गया कि 3 करोड़ इजाफी देही और शहरी घरानों, यानी रूरल एंड अर्बन हाउसहोल्ड, या जो इसके तहत मकानात तामीर होते हैं, उसकी मदद के लिए सरकार पैसा देगी, ताकि मुख्तलिफ गरीब खानदानों की तादाद में जो इजाफा हुआ है रिहाइश की ज़रूरियात को, ये तमाम गरीब खानदान स्कीम के तहत पूरा कर सकें। हुकूमत के आदादोशुमार के मुताबिक 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना नाफिज की गई है, ताकि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अहल देही और शहरी घरानों को बुनियादी सहूलियात के साथ रिहाइश की सहूलत फराहम की जाए और मकानात तामीर करने में सरकारी खजाने से पैसा देकर उनकी मदद फराहम हो सके। PMAY के तहत गुज़श्ता 10 बरसों में रिहायशी स्कीमों के तहत अहल गरीब खानदानों के लिए कुल 4.21 करोड़ मकानात पूरे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ में मुकम्मल किए गए हैं। इसके अलावा PMAY के तहत बनाए गए तमाम घरों को मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतों के दीगर स्कीमों के साथ हम आहंगी के जरिए बुनियादी सहूलियात, जैसे घर के अंदर बैतुलखला या वॉशरूम्स, इसके अलावा LPG कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, फंक्शनल घरेलू नल कनेक्शन, यानी घर घर पानी का जो सरकार का एक नारा है, उसके तहत नल के जरिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। इससे पहले वज़ीर आज़म मोदी ने नई दिल्ली में, जहां ओहदा संभाला तीसरी बार वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ लेने के बाद, PM किसान सम्मान निधि आज टेबल पर बैठते हुए 17वीं किस्त जारी कर दी और अपनी पहली फाइल पर दस्तखत किए। इस फैसले से 9.3 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा और तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए तकसीम किए जाएंगे। मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म का ओहदा या हल्फ लेने के बाद नरेंद्र मोदी, जो कि साउथ ब्लॉक में वज़ीर आज़म के बतौर PMO दफ्तर पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने यही काम किया। इधर दूसरी जानिब सबकी नज़रें महकमों की तकसीम पर टिकी हुई है। नई काबीना, जिसने पहला फैसला 3 करोड़ गरीबों के लिए घर बनाने के लिए कह दिया है, 30 काबिनी वज़रा आज़ाद चार्ज के हामिल, 5 वज़राए ममलिकत और 36 वज़राए ममलिकत शामिल हैं। सरकारी ज़रा इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि नए वज़रा के काबीना का पहला इजलास जो सबसे पहले होने की तवक्को थी वो हुआ, और पहले ही पीर को ये बड़ा फैसला लिया गया। नरेंद्र मोदी ने 71 वज़रा के साथ अपने ओहदे का हल्फ उठाया था और इतना बड़ा फैसला 3 करोड़ मकानों का होगा, शायद ये तवक्को नहीं थी। वज़ीर आज़म और दीगर वज़रा के ओहदे का जब हल्फ दिलाया गया, तो उसके बाद सबकी नज़रें वज़ीर आज़म समेत मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी थी कि वज़रा की काउंसिल के साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी जो जिम्मेदारियाँ तफ्वीज़ की जाएंगी, कौन किस पर जिम्मेदारी आयद करेगा। अवाम की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने में पहला कदम मरकजी काबीना ने उठाया है और आइंदा दिनों में मजीद बड़े फैसले हो सकते हैं, जहां पर अब कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 3 करोड़ इजाफी घर गरीब शहरियों के लिए बनाने का पहला बड़ा फैसला मरकजी काबीना ने अब से कुछ देर पहले ले लिया है।